हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनसेवा के वाराणसी में। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यूपी यूएमएस ने 2023 के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें कि पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों आप यदि एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मोबाइल के माध्यम से। तो इसके पहले कुछ जरूरी बिंदुओं पर बात करें, जैसे फीस देखा जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है 2360 रुपये फीस है, एससी एसटी कैटेगरी का 1416 रुपये फीस है। इसमें 1416 रुपये टोटल जो है आपका जीएसटी चार्ज वगैरह सब जोड़ के है फीस। एज की बात करें तो 18 से 40 साल आपका एज होना चाहिए। दोस्तों नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें इसके बारे में डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये मेरे सामने यह नोटिफिकेशन रहा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का, सिफाई इटावा। इसमें देखिए इस इंटर क्वालिफिकेशन मांगा है आपका बीएससी होना चाहिए नर्सिंग से, या तो बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों तो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें से आप जो भी डिटेल्स है उसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाते हैं, जो भी चीज़ मांगेगा उसमें सब सामने ही दिखेगा आपके। तो अधिक देर न करते हुए चलते हैं फॉर्म फिलअप पे। दोस्तों यहाँ अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय पे। दोस्तों जब मोबाइल से फॉर्म को फिल करते हैं तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र में देखेंगे, यहाँ पे तीन डॉट दिखेगा, सिंपल इस पे क्लिक कर देना है आपको। नीचे बढ़ेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इसी पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के पश्चात दोस्तों यहाँ देखेंगे क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर्स, तो सिंपल आपको पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर्स पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेज लोड लेगा, पेज लोडिंग लेगा इस प्रकार से देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। यहाँ से पॉपअप आएगा, क्लोज कर देंगे इसको। प्राइवेसी नोटिस आएगा, इसको भी क्लोज कर देंगे। यहाँ देखेंगे अप्लीकेंट फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डालेंगे। उसके बाद अप्लीकेंट्स जो है मिडिल नेम अपना मिडिल नाम डालेंगे, जैसे प्रताप हैं कुमार हैं जो भी लगाते हों। उसके बाद अप्लीकेंट्स से यहाँ पे लास्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे आप यहाँ पर अप्लीकेंट फादर्स नेम का ऑप्शन मिलेगा, फादर्स नेम डाल देंगे। अप्लीकेंट्स मदर्स नेम, मदर्स नेम डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे कैलेंडर पे टिक करेंगे तो इस प्रकार से आप चूज़ कर लेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको चूज़ कर सकते हैं कैलेंडर के माध्यम से। इस प्रकार से दोस्तों अपना चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर का, यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। फिर देखेंगे यहाँ कंफर्म मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर में फिर से मोबाइल नंबर डाल देंगे अपना। फिर कैंडिडेट ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर देंगे। कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी को फिल करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन आई एग्री पे चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे, और यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके, फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए अपनी डिटेल्स को मैं फिल करता हूँ, उसके बाद सबमिट करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं अपना डिटेल फिल कर गया हूँ, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करेंगे इस प्रकार से पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कहीं कॉपी पर लिख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंट, कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मतलब ईमेल पे भी गया होगा, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से आपका डिटेल्स दिख जाएगा, डिटेल्स को आप पढ़ लेंगे। इस प्रकार से पढ़ने के बाद यहाँ लिखेंगे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे इस प्रकार से लोड लेगा फिर से, दोस्तों आपको लाइव करके दिखाएंगे बिना किसी मिस्टेक के, यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपका दिख जाएगा जो आप फिल किए हैं, माता का नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ नीचे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंडियन अपना सेलेक्ट कर लेंगे।
इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड है अनमैरिड है उसको जो है आपको यहाँ बताना होगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख के सर्च मारेंगे उत्तर प्रदेश वहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश आ गया। उसके बाद चूज अप्लाइड कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रिजर्व कैंडिडेट हैं वो बीसी हैं एससी हैं जो हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से चूज सब कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, सब कैटेगरी में आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट एक्स सर्विसमैन, इसमें से जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं तो नन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे आर यू रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस या नो में जवाब देंगे, यहाँ नो रहेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलेगा कॉरपोरेशन एड्रेस का, यहाँ एड्रेस लाइन में अपने विलेज का नाम लिख देंगे, टू में पोस्ट का नाम लिख देंगे, एड्रेस लाइन थ्री में अपने स्टेट जिले का नाम लिख दीजिएगा। अगर ब्लॉक थाना लिखते होंगे तो उसको भी लिख सकते हैं एड्रेस थ्री में। यहाँ से स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, स्टेट यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे, डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिटी में आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ही लिख दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे पिन कोड फिल कर दीजिएगा। फिर देखेंगे इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरपोरेशन एड्रेस, तो यस कर दीजिएगा, ऊपर का जो भी डिटेल है इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद सेवन नेक्स्ट करके क्वालिफिकेशन डिटेल पे पहुंच जाना होगा, यहाँ दोस्तों अपना डिटेल हम फिल करें। उसके बाद सेवन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते डाटा सेव सक्सेसफुली ओके कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे इसेंट्रल क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे देख लेंगे डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है इससे संबंधित, तो उसको आप फिल कर देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे नर्सिंग काउंसिलिंग का, उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देंगे नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ नेम, नाम को भर देंगे। सर्टिफिकेट आपका किस तारीख को जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से आपको जारी किया गया था उसको यहाँ पे डाल देंगे डेट को। उसके बाद यहाँ देखेंगे कक्षा 10 का डिटेल्स हैं, कक्षा 10 का डिटेल्स यहाँ फिल कर देंगे। कक्षा 12 का डिटेल्स पूछेगा, यहाँ पर कक्षा 12 का डिटेल्स को फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन पूछ रहा है आपका किससे है, डिग्री बीएससी है हॉनर्स है जो भी हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बीएससी से संबंधित अपनी जो भी जानकारी है उसको फिल कर लेंगे, जैसे कि न्यू आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, किस साल में पास किए हैं उसको लिख देंगे, यहाँ ऑप्टेन मार्क अपना लिख देंगे, कितना नंबर आप पाए हैं टोटल मार्क्स में, कितने पूर्णांक था उसको लिख देंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स में ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज ये बता देगा जो आप फिल कर देंगे। उसके बाद सेवन नेक्स्ट करके अपलोड स्कैंड कॉपीज पे ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे आप। चलिए मैं अपनी डिटेल को फिल करता हूं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। दोस्तों यहां अपनी डिटेल को हम फिल कर दिए हैं, उसके बाद सेवन नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन मिलेगा, ओके कर देंगे। ओके करने बाद अपलोड स्कैंड कॉपी के ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रिफरेंस टेस्ट स्टेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप स्टेट चूज़ कर लेंगे कि किस स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश लिखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद सिटी चूज़ कर लेंगे, जो नज़दीकी सिटी होगी उसको अपना सेंटर चूज़ कर लेंगे, जैसे वाराणसी लिखेंगे तो वाराणसी सेंटर आ जाएगा आपका। उसी प्रकार से इन दोनों में भी कर लेंगे, प्रिफरेंस टेस्ट टू में भी अपना चूज़ कर लेंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अपना फिर सिटी दे देंगे जो नज़दीक में होगा, इसी प्रकार से तीसरा भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, यहाँ फ़ोटो अपना अपलोड कर देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर अपना अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अंगूठा अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। उसके बाद कक्षा 10 का मार्कशीट अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अपलोड योर स्कैन 10 का सर्टिफिकेट आप अपना जो सनद होता है उसको अपलोड कर देंगे।
उसके बाद कक्षा 12 का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फिर कक्षा 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड जो कास्ट सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जैसे SC हैं, ST, OBC हैं, वो सर्टिफिकेट। उसके बाद अपलोड योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड योर स्कैंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट करेंगे अपलोड। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। अपलोड योर स्कैंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिक्लेरेशन पे टिक कर देंगे, आई एग्री पे टिक कर देंगे, कैप्चा को फिल करके आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर लेंगे एक बार। तो मैं अपना जो है यहाँ पे अपलोड करता हूँ, उसके बाद जो है आगे का आपको ऑप्शन दिखाता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है आपका 50 से लेके 80 KB के बीच का होना चाहिए, और जितना भी रिजल्ट वगैरह है वो आपका जो रहेगा 100 KB से लेके 1 MB के बीच का JPG या PDF फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम नीचे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद आई एग्री पे आप दोनों चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके फिर प्रीव्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जितना भी आप इसमें जो है कि सिलेक्ट किए हैं, फ़ोटो अपलोड लगाए हैं, इसके व्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद ही आपका जो है सबमिट होगा। व्यू सब चेक करने के बाद दोस्तों फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू सबमिट, पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। ओके करेंगे, पेज डोर लेगा इस प्रकार से, आपको पेमेंट गेटवे पे डायरेक्ट कर देगा। यहाँ देखिए दोस्तों कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, UPI, फ़ोनपे। यहाँ पे देखेंगे UPI है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है। यदि आप इसमें से गूगल पे क्लिक करेंगे या तो ये आपको डायरेक्ट आपके गूगल पे अकाउंट में कर देगा। वहाँ से बस आपको ओके करके अपना कोड भर के पेमेंट हो जाएगा। यहाँ से नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिएगा, जरूरी बात कि यदि आप पेमेंट करते हैं तो कभी भी जो है कि पेज को रिफ्रेश ना करिएगा, ये ऑटोमेटिक जो जैसे पेमेंट करने के बाद जैसे ये करता है वैसे होने दीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट जो है फंसने का चांस रहता है। ठीक है दोस्तों, उस वक्त आप पेमेंट कर देंगे, आप उसके बाद प्रिंट आउट अपना निकाल लेंगे, आपका फॉर्म जो है एकदम सबमिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और बाय।